अबे सुधर जाओ सालो, आंखों की नील गई नहीं तुम्हारी अब तक। अरे जब बदाक सेक रहे फूफा। अरे मरते मरते बचे हो कल, ठरक के पुजारी हो मान जाओ, बहुत बुरा फंसोगे। अरे तेरे के दर्द है यार, बेचारी मुसीबत में थी, हम तो हेल्प मांग ली। पता क्या गुनाह कर दिया हमने? अबे गुनाह के नील दिख रहे हैं तुम्हारी आंखों में, शर्म करो कुछ। अरे जब तेरे के दर्द है मारी आंख मारे नील। मरो साल अपनी एस्थेसी कराओ, मुझे क्या है? तन्ने के जा तू अपनी चाय बना लेने। बाबू पूछे के साला। अरे बच के रहना, कुछ जंगली चूहे हैं यहाँ पे, ख्याल रखना अपना। I'm sorry यार, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी ज्यादा लग गई। अरे नहीं नहीं नहीं, ज्यादा क्या, मेरे को कोई ये 150 गुस्से लगे होंगे और 40 चूतड़ा पे लात। तेरे के हिसाब से भाई मैंने बस 100 लात और 20-40 गुस्से। इसकी थोड़ी लात ज्यादा थी, और इतना तो देखो दोस्ती में हमारा फर्ज बनता ही है। पिटी ने तेरा फर्ज था कि? अरे नहीं नहीं, वो तो हम तैयारी करके नहीं गए, नहीं 2 लाख की जगह 4 लाख लेके आते, और वो तो हमारा मोंटी सो रहा है, अगर ये हमारे साथ जाता ना 10 लाख लेके आते। ये हमेशा सोता रहता है क्या? हाँ हाँ सोता बेशक रहता हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग बहुत है ये। हम तो जब घर में सोफा की कमी हो जाती है ना, इसको सोफा बना लेते हैं। डेमो दिखाएं आपको। अरे रो देखो इसको, कितना ही कूद ना इसको कुछ नहीं होता, सोता रहता है। मोंटी वेट लग रहा है तेरे को? मैं सो हूं यार। देख आप लोग भी ट्राई करो, आओ आओ। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे कर लो ट्राई, अपना ही पाछा समझो, शर्मा मत, आओ आओ। मोंटी कोई दिक्कत है? मैं सो हूं। अरे सोता रहता है, करो करो बेसिक जंप कर लो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। That was fun. वो actually हमें एक छोटी सी हेल्प और चाहिए थी आज। भाई मैं ना जाऊं ये पे। देखो जी हमारा पिटने का स्टेमिना तो बहुत है, पर इतनी जल्दी जल्दी नहीं जाया जाएगा जी। अरे नहीं नहीं कहीं जाना नहीं है, आज रुबाब की मम्मी आ रही हैं। तो और हमने उनको बताया नहीं है कि हम लड़कों के साथ शेयरिंग में रह रहे हैं। लेकिन शेयरिंग में कहाँ रहते हो, आपका तो अलग फ्लैट है। बाथरूम तो शेयर्ड है ना यार। फिर क्या हुआ? और मम्मी इतने पुराने ख्यालात की, अगर उनको पता चला कि हम लड़कों के साथ ऐसे रह रहे हैं तो इसी कड़ में कोनी मारेगी, एक आई करते फिरोगे तुम भी और हम भी। तो क्या करना है अब यार? तुमको ये भी तो नहीं बोल सकते तुम बाहर जाके रह लो। हाँ वो तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हमने सोचा कि तुम लोग यहीं रहो पर भेष बदल लो। भेष? मतलब एक कामवाली बन जाओ, एक धोबी और एक कुक। मतलब हम अपने ही घर में नौकर बन के रहेंगे? हाँ। नहीं यार देखो रह तो लेंगे लेकिन। प्लीज यार ललित, मैंने आज तक दोस्ती में तुमसे कुछ नहीं मांगा। पर यार हम कल ही तो मिले हैं। हाँ हाँ पर कल से लेके आज तक की दोस्ती में कुछ नहीं मांगा। प्लीज अब इतना प्यार से बोलेगी तो बन जाऊंगा काम वाली भाई। और राहुल को तो धोबी बनने में कोई दिक्कत होगी नहीं? हाँ हाँ यार लल्ली यार कितना बढ़िया समझने लग गई यार मैंने। समझदार है आप, चीज ही ऐसी हो। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन हमारा वो दोस्त अतुल कभी नहीं मानेगा। अरे तो मना लेंगे उसने भी, हर मर्द की कोई ना कोई कमजोरी तो हो ही करे ना। ऐसी तो कोई मर्दाना कमजोरी या गुप्त रोग तो अतुल के है नहीं। मोंटी उसको कोई गुप्त रोग है अतुल के? मैं सो हूँ यार। तेरे कोई मर्दाना कमजोरी है? मैं सो हूँ यार। मोंटी के भी नहीं है? अरे मेरा मतलब कोई ऐसी चीज जिसे सुन के वो पिघल जाता हो, जो चीज उसने घड़ी अच्छी लगती हो, जिससे उसका मूड अच्छा हो जाता हो। शायरी? अतुल ने शायरी बहुत पसंद है। ओहो बन गई बात, चलो मेरे साथ। हाँ, चलो। मोंटी तू भी चलेगा? मैं सो हूँ यार। सोता पता है चेतना तो बहुत बड़ी शायर है। अच्छा इसने तो पोइट्री के इतने सारे शोज भी कर रखे हैं। क्या बात कर रही है, सुना रहे यार चेतना का था मारते भी। अरे नहीं नहीं मैं तुम्हें थोड़ा बहुत लिख लिया करूँ। हाँ तो थोड़ा बहुत तो हम कह रहे हैं और के प्रस्ताव पर डेली। अच्छा तो फिर सुनो तो अर्ज किया है। वाह वाह अच्छा मोहब्बत हो गई है, ओह हमसे हो गई है। अच्छा जिंदगी लेनी है हमारी, हम बुरे हैं यार तुम नहीं मिल सकते। अच्छा बात सुनो, पसंद बुरी नहीं तुम्हारी। खत्म होगा। वाह 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 चेतना एक और, तू नहीं मैं सुनाऊंगा। ना ना सुना दे। और सुन लेना बढ़िया सुनाऊंगा। ना अरे नहीं नहीं सुनाने दो ना। आंखें मूंद भी लूं
तो भी तू दिखती है। दिखती है भाई, दिखती है। आंखें खोल लूं तो भी तू दिखती है। दिखती है भाई, दिखती है। रानी तू गुंडी शक्ल की है, फिर क्यों इतना मेकअप लिपती है? अबे ओ क्यों बकवास कर रहे हैं, कितना अच्छा तो सुना रही है, सुना लेना इसको। अबे ऐसा कुछ भी नहीं, कितना अच्छा तो लिखती है, तो एक और सुना दो प्लीज। अब आप इतना कह रहे हैं तो फिर सुना ही देते हैं। अर्ज किया है, अर्ज किया है। मत पूछे कुछ आप हमसे, जान लीजिए ना आपको जवाब की क्या जरूरत। आंखें नशीली की देखे तो नशा चढ़े, बताइए हमें शराब की क्या जरूरत। क्या जरूरत है? एक और सुना दो प्लीज। इब तो मैं शायरी तो भी सुनाऊंगी जब हम सारे दोस्त बन जाएंगे। हाँ तो हम तो पहले से ही दोस्त बन चुके हैं। अतुल तू देख ले भाई अपना। फ्रेंड्स 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 आ जाओ मम्मी, आ जाओ। क्या आ जाओ, इतने ऊपर भर ले रखा है तुमने। कुछ नहीं होता मम्मी, आ जाओ। अरे मेरे पैरों में दर्द होता है। कोई नहीं मम्मी, अभी तो आप जवान हो, आ जाओ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हो तुम दोनों? बस बढ़िया आंटी, लाइफ मस्त कट रही है एकदम। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते। ये कौन है? ये हमारी काम वाली बाई है मम्मी। अच्छा तुम्हें एक दिन में काम वाली भी मिल गई? वो आंटी थोड़ी गरीब है बेचारी, और काम ढूंढ रही थी, फिर हमने भी इन पे तरस आगा तो पूरी फैमिली को ही काम पे रख लिया। पूरी फैमिली मतलब? वो आंटी इसका मर्द धोबी का काम करता है और इसका छोरा ऊपर खाना वाना बना ले है। राम राम आंटी जी। राम 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 राम। ये तुम दोनों की आंखों पे क्या हो गया? वो मैम साहब हमारा मर्द हमको दारू पी के मारता है ना, उसी का लील हो गया है। और इसकी आंखों पे? अरे फिर हम भी तो मारती है ना, हम कौन सा कम है, ऐसा राइटा देती है ना, आंख पे सतरंगी रीट आता है बहिंचो के। ओ तभी तुम्हारे आंख पर इतने तगड़े तगड़े हैं। हाँ आंटी जी, काम कर करके थोड़ा बहुत मसल तो बनी जाता है। ओ फिर तो तुम मसाज भी बहुत बढ़िया कर देती होगी। मसाज? एक बार पोछा मार के थोड़ी मेरे पैर की और कमर की मसाज कर देना, बहुत लंबा सफर था ना, थक रही हूँ। जी जी आंटी जी। अच्छा बेटा चल चल चल, एक मिनट एक मिनट, ये किसका कमरा है? अरे 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 आंटी, वो हमारा स्टडी रूम है, मेन रूम वो है, चलो आप रेस्ट कर लो। अरे रेस्ट बाद में कर लेते हैं, पहले तुम्हारा स्टडी रूम ही देख लेते हैं। अरे आंटी अभी तो मैंने वो रूम साफ भी नहीं किया है। अरे अपने बच्चों का घर है, हो रही है सफाई वफाई। अरे ये कैसा स्टडी रूम है? वो मम्मी कल नया फ्लैट लिया है ना, उसी के चक्कर में छोटी सी पार्टी कर ली थी, तो उसी का थोड़ा सामान बिखरा हुआ है। वो सब तो ठीक है, पर ये लड़कों के कच्चे कब से पहनने लग गई? तो वो मम्मी, वो आंटी, वो लॉकडाउन था ना तो यही अवेलेबल थे, तो यही उठा ले। ए बेटा मेरे को बता देती मैं ले आती, इनमें तो बड़ी दिक्कत होती होगी। अरे नहीं नहीं आंटी, इनमें हवा आती है। अच्छा एक बात बता, ये कच्चे तो इस धोबी से तो नहीं धुलवाती? अरे नहीं नहीं आंटी जी, ये मुनिया अपने आप ही धोती हैं कच्चे, और आपको विश्वास नहीं है ना, तो अभी धोके दिखा देंगी। चलो मोनिका धोके दिखाओ। हाँ हाँ बेटा धोके दिखाओ, धोके दिखाओ। हाँ हाँ आंटी, ये तो मैं डेली धोती हूँ, अभी धोके दिखाती हूँ थोड़ी देर में। और ये बियर की बोतलें, बियर भी पीती हो तुम? अरे नहीं नहीं आंटी जी, ये तो हम अपने मर्द की उठा के यहाँ रख दिए, मुनिया बाल वगैरह धो लेंगी, इनके सर में जुएं हो रखी है ना, सारा दिन खाज करती हैं, बहुत गंदा लगता है। और तुमने लड़कियों के इतने पोस्टर क्यों लगा रखे हैं? ओ मम्मी। हे बेटा कहीं तुम सब? नहीं नहीं हमें लड़के ही पसंद हैं। अरे हाँ आंटी जी, हमको भी कई बार लगा ये तीनों लड़कियां ना, इनकी तो हम पे भी गंदी नजर रहती है, अब आप ही बताएं हम पोंछा लगाएं, अपनी इज्जत बचाएं। वो ये पोस्टर तो हमने अपने इंस्पिरेशन के लिए लगा रखे हैं। अच्छा आजकल की जनरेशन पता नहीं कहाँ कहाँ से इंस्पिरेशन ढूंढ लेती है। एनीवेज चल बहन तू मेरी थोड़ी सी मसाज कर दे। आंटी ये छोरी तो बेरानी किसी किसी दिन दिखाऊंगी निकम्मी। मोंटी तू कर दे आंटी की मसाज। मैं सो हूं यार, मैं रो हूं यार। आंटी मजे आ रहे हैं ना?
अरे बेटा पूछे मत ना, इसके हाथों में तो जादू है, मेरी तो सारी थकावट निकाल दी इसने। आंटी एक्चुअली आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मैं कल कर दूं आपकी मसाज। ना ना लगी रहे बहुत बढ़िया कर रही है, आधा घंटा तो कर। आधा घंटा क्यों आंटी, दो घंटे कराओ, मसल नहीं देखी आपने इसकी कितनी तगड़ी तगड़ी है। हाँ लगी रहे। अरे मम्मी चाय बनवा दूं मैं आपके लिए। हाँ हाँ बेटा बनवा दे, एक कप तो बनवा ही दे। एक एक कप अपना भी आन दे बेबे। छोटू आंटी के लिए चाय नहीं लाया तू अब तक। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा नमस्ते। ये कौन है? ये इसका लड़का है आंटी। अच्छा हाँ मेरा ही लड़का है आंटी, ये निकम्मा, हमने सोचा था पढ़ लिख के कुछ बढ़ जाएगा, ये चौथी में चार बार फेल हो गया। मम्मी नानी का फोन आया था। कौन नानी? आपकी मम्मी आ रही है। कब? देखी सा सूट पैर का लुगाईया के पादा बन लग रहा, तने शर्म नहीं आती? इससे दिन की ताई पैदा कर रहा था, डट जा तू। अंटी अंटी भाज लो ना अगली चप्पल आपके लागे जी। अरे सामने वाले रूम के बाहर लड़कियों की चप्पल पड़ी है। हाँ तो आंटी धो रही होगी ना अपनी वो। नाम नहीं बताएगी, सीधा मैं इंट्रोडक्शन करवा। मैं तो बता चुकी ना मोनिका। जन्म पत्री दे तेरे तक कटवा के ये बता दो दिया पिछली लाइन में। बैठो। ओ ये सॉरी 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 आप बैठो बैठो बैठो। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अरे डट जा ले तत्ती पठा के छोटेगा। वैसे आप तीन लोग ही रहते हो इधर? नहीं 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 हम तो मल्टीपल ऑर्गेनिज्म है। लोगों की लगी लगाई नौकरी छूट रही है, हमें कौन काम देगा बेंचो? वही तो देगा ही बेंचो जो हमने दे रखा। एक और है जी हमारा दोस्त वो पढ़ा मोंटी 12 पाचे का, देखो खुल के देखो, कोई नहीं पाच सा अपना सुनसो। भाई अरे वाह तो कितनी सुतरी छोरी है यार। देख ले यार सुतरी सुतरी छोरी है, कोई पैसे लूट ले, हम किस टाइप के वो हैं बहन के तके। मत जा जा हम मोंटी ने ले जाएंगे, चलेगा मोंटी? मैं तो सो हूं। तन तो कार्ड भी ना दिया था नीच, फिर भी हम तेरे साथ रोटी खाने गए। चूतिया पागल। अरे हम तो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तू तो बीच में बोलना बंद करेगा। डायलॉग ही वो पूरा की तो है। विनोद मैं तो प्रमोद हूं। बी बी से विनोद। विनोद बी से विनोद। यो बोलना बी से विनोद। जो भी भेजना हम पहुंचा देंगे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कौन है? इसका लंच। आपको उस तरह से मोंटी कुछ हो रहा है? सो यार हंसने निकल रहा है। हंस मत, इसने तो इतने सारे इतने सारे लड़कों को बोल रखा है मोहब्बत होगी। एक लो आ कर रहे थे सब माँ कर रहे थी। आ बहन तू मेरे पैर की थोड़ी सी मसाज कर दे। अरे नहीं नहीं आंटी अपने आप ही धोती हैं मुन्नी कछिया कछिया। ये छोरे तू लुगाईया के सूट पैर का है? लुगाईया की पता पे लुगा की दाम नहीं।